नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कुछ महीने पहले की बात है, गुजरात के बिल्किस बानो गैंगरेप केस के सभी 11 दोषियों को रिहा कर दिया गया, आदेश दिया राज्य सरकार ने। रिहाई पर जमकर बवाल हुआ और फिर बिल्किस बानो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। कई हफ्तों से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है लेकिन केस में कोई प्रोसेस नहीं हो रहा, क्योंकि कोर्ट से एक तारीख पर कार्रवाई हुए बिना अगली तारीख मिल जाती है। पिछले 2 साल से दोषियों के वकीलों द्वारा एक ही वजह कोर्ट को बताकर अगली तारीख ले ली जा रही है। वजह ऐसी जिसे सुनकर आपका भी माथा ठनक जाए। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार 9 मई को भी इस मामले पर सुनवाई हुई। जस्टिस KM जोसेफ, जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने सुनवाई की। इस दौरान 11 दोषियों में से एक दोषी कोर्ट नहीं पहुंचा और उसके वकील ने सुनवाई शुरू होते ही अदालत को बताया कि उनके मवक्किल को अभी तक कोर्ट का औपचारिक नोटिस नहीं मिला है, क्योंकि वो कुछ दिनों से अपने घर पर है ही नहीं, तो वहाँ नोटिस नहीं पहुँचा और वो कहाँ है किसी को पता नहीं है। दोषियों के एक वकील का कहना था कि जब तक सभी पार्टियों को नोटिस नहीं मिल जाता तब तक अदालत सुनवाई की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा सकती। शोभा गुप्ता ने इस दौरान रेप मामले के गायब इस दोषी के लिए कहा कि ये आचरण बेहद चिंताजनक है, क्योंकि इस मामले पर सुनवाई चल रही है और ये बात पूरी दुनिया को मालूम है। काफी देर बहस के बाद कोर्ट ने एक बार फिर दोषी को नोटिस सर्व करने का आदेश दिया, साथ ही कड़े शब्दों में कहा कि अगर फिर भी दोषी को नोटिस न पहुंचे तो नोटिस एक अंग्रेजी और गुजराती अखबार में भी छपवा दिया जाए। कोर्ट के मुताबिक दोषी को नोटिस न मिलने की वजह से बार बार मामले की सुनवाई को टाला नहीं जा सकता। इस टिप्पणी के बाद कोर्ट ने कहा कि अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। इससे पहले 2 मई को भी दोषियों के वकील ने कोर्ट में एक दोषी को नोटिस न मिलने की बात कही थी। तब दोषी के कोर्ट न आने की बात सुनकर जस्टिस KM जोसेफ ने कहा था कि अब ये साफ है कि बिल्किस बानो मामले की सुनवाई करने वाली बेंच जस्टिस जोसेफ नहीं दिखेंगे, क्योंकि इस मामले पर अगली सुनवाई उनके रिटायरमेंट के बाद होगी। 27 फरवरी 2002 को गुजरात में हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान भीड़ ने बिल्किस बानो और उसके परिवार पर तब हमला किया था जब वो जान बचाकर भाग रहे थे। भीड़ में से कुछ लोगों ने बिल्किस का गैंगरेप किया और उसकी 3 साल की बेटी समेत परिवार के 14 लोगों की हत्या कर दी। इस मामले में कोर्ट ने 11 लोगों को दोषी माना था और उम्र कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन फिर आया अगस्त 2022 और गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो गैंगरेप मामले में सभी 11 दोषियों को रिहा कर दिया। राज्य सरकार के खिलाफ बिल्किस बानो सुप्रीम कोर्ट पहुंची और उन्होंने अपनी याचिका में गुजरात सरकार पर समय से पहले दोषियों को रिहा करने का आरोप लगाया। बिल्किस ने सुप्रीम कोर्ट से सरकार के फैसले को पलटने की अपील की है। इस समय कोर्ट बिल्किस बानो की इसी याचिका पर सुनवाई कर रहा है।